Hello everyone, a unique and interesting creative work from Nice English School. COVID-19 doesn't stop our respected and eminent Mr. Rafiq sir from creating and providing helpful and nurturing activities. Nice English School and People Educational Trust under the leadership of prominent and Iron Man Mr. Rafiq sir provide you all students a wonderful, important, peculiar and unusual activities. Nice English School is always with the student and ever ready to guide the students through the different useful ways. और आज जो हम एक्टिविटी करेंगे उसका नाम है कैंडल आर्ट। ये आप देख ही रहे हो कैंडल, इस पे हम कुछ पेंटिंग करना सीखेंगे। आपको ये मटेरियल दिया गया है कैंडल, ये एक टिश्यू पेपर और ये फैब्रिक कलर है, दो कलर का कलर आपको दिया गया है और ये कुछ सर्कल शेप में मिरर है और आपको थोड़ा सी फेविकोल का यूज लगेगा। तो हम बनाना शुरू करते हैं और ये मैंने एक कैंडल ऑलरेडी बना के रखा है। आज जो मैं बनाऊंगी वो हम कलर के थ्रू बनाएंगे। कैंडल पे आप किसी भी तरीके का आर्ट कर सकते हो, आपको ये देखने के बाद एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम कर सकते हैं, तो आप अपने तरीके से कुछ नया क्रिएटिव अलग से करने की कोशिश करना। ओके, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये कैंडल लेना है और ये जो कलर है वो इसमें से निकाल लेना है। ये रेड कलर करना ये है, ये टिश्यू पेपर हम लेंगे, थोड़ा हम हाफ ले लेंगे इसको, इस तरह से क्रश करके इसमें कलर में डीप करना है। और ये देखो, ये बॉटम का पार्ट यहां से हम छोड़ देंगे, ये ऊपर की तरफ हम इसको, और ये फ्रंट का ये पार्ट और बॉटम का ये पार्ट हम छोड़ देंगे, बाकी हम इसको इस तरीके से रेड कलर कर लेंगे। ये हम पूरा सर्कल में ऐसे डीप करके इसे रेड कलर से फिल कर देंगे। ये रेड कलर होने के बाद यहाँ पे हम ये टिश्यू हटा देंगे, ये येलो कलर हम ये ऊपर फ्रंट पे और नीचे ये बॉटम पे हम येलो कलर का यूज करेंगे। इसको थोड़ा सा हमें मिक्स कर लेना है ताकि हल्का हल्का ऐसे शेड आ जाए, इस तरह का से देखो, इस तरीके से थोड़ा ऐसे हमें रेड में मिक्स कर लेना है ताकि इसका थोड़ा सी रेड और येलो का शेड आ जाए अच्छे से। इसी तरीके से हमें यहाँ फ्रंट पे भी ऊपर की तरफ भी सिर्फ थ्रेड को छोड़ देना है और ये भी हम कर देंगे। और कलर को हम कुछ देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब कलर अच्छे से सूख जाए तो हमें करना क्या है, हमें मिरर स्टिक करना है। तो ये मिरर का बैक साइड पे हम हल्का सी फेविकोल लगाएंगे
मामूली सा फेविकोल लगा के हम इस पे स्टिक करेंगे इस तरीके से। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में हम इसको ऐसे यहाँ पे स्टिक करते जाएंगे। एक लाइन हम ये बनाए, फिर इसके मिडल में, पहले हम एक लाइन लगा लेंगे फिर सेकंड लाइन में आपको लगा के बताती हूँ। ये एक लगाए, फिर थोड़ा सी इसको गैप करके हम दूसरा यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। ऐसे ये एक लाइन में चार मिरर लगेंगे, फिर इसके गैप में हम एक यहां लगाएंगे। डिस्टेंस में लगाना है, इसके सेंटर में हम एक यहां लगा दिए, फिर सेम ये दोनों के सेंटर में हम यहां लगा दिए। फिर इसके सेंटर में हम एक यहाँ लगा देंगे। ऐसे करके हमें पूरे कैंडल को फिल कर देना है। ये इस तरह से पूरा मिरर लगा के ये कैंडल पूरी रेडी हो गई। आप इस तरह से ही बना सकते हो, आप कुछ नया भी ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।